ये देखिए समधन जी, ये सोने का हार मैंने आपके लिए खरीदा है। आपको पसंद आया ना, एक बार अपने गले पर लगा कर तो देखिए। अरे वाह, हार तो बहुत सुंदर है। जब मैं ये पहनूंगी ना तो इससे भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। वैसे उम्मीद नहीं थी आप इतना सुंदर हार दे पाएंगी शादी में। अब क्या बताऊं बहन जी, हर माँ बाप चाहते हैं कि वह अपनी बेटी की शादी में जितना हो सके उतना दे। मेरी बेटी की किस्मत में जितना भी लिखा होगा मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बेटी हमेशा अपने ससुराल में खुश रहनी चाहिए। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। जैसी मुझे बहू चाहिए थी ना, वैसी ही आपकी बेटी है। और जैसी मुझे समधन चाहिए थी वैसी आप हो। अच्छा जी, मतलब ऐसा क्या देख लिया आपने मेरे अंदर? मतलब ये है कि आप जानती होंगी कि शादी किस शर्तों पे हो रही है। आपको अच्छे से पता होगा पहले हमने रिश्ते के लिए मना कर दिया था, और क्यों मना किया था वो आपको अच्छे से मालूम होगा। चलिए ना, पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे जाकर तो आपको और भी सरप्राइज दूंगी मैं, ऐसा सरप्राइज दूंगी कि आप जिंदगी भर याद रखोगी। ठीक है बहन जी, मैं इंतजार करूंगी आपके सरप्राइज का। वैसे ये हार आप मुझे कब देंगी? ये सारे जेवर मैं निधि की विदाई के वक्त ही दूंगी। ससुराल जाने के बाद जब निधि आपके पैर छुएगी तब वह आपको ये हार गिफ्ट में दे देगी मेरी तरफ से। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं जाती हूँ। शादी की मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, बिल्कुल भी समय नहीं है मेरे पास। कमला की बेटी निधि की शादी होने वाली थी और ये प्रेम विवाह था। दोनों परिवार वाले अच्छे खासे घर से थे, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही निधि की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। हल्दी से ठीक एक दिन पहले कमला मधु को फोन करके कहती है, मधु बहन कल हल्दी है, सारा शगुन का सामान समय से भिजवा दीजिएगा। वो सब तो ठीक है कमला बहन, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना, आखिर क्या बात करनी है आपको? दरअसल हमारे में रिवाज है, हल्दी के दिन लड़की की माँ की तरफ से लड़के की माँ को एक भारी भरकम सोने की अंगूठी दी जाती है। तो आप बहन जी भाई साहब से बोलकर एक सोने की अंगूठी बनवा कर भिजवा दीजिएगा, और मैं अपने हाथों से हल्दी और शगुन का सामान भिजवा दूंगी। अच्छा बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कल मैं आपके लिए भारी भरकम सोने की अंगूठी भिजवा दूंगी। और ऐसी अंगूठी भिजवाऊंगी कि अंगूठी देखकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है बहन जी, वैसे मुझे ना आपसे यही उम्मीद थी। वैसे सच में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे आप जैसी समधन मिली। क्यों नहीं बहन जी, आप जैसे लोगों के लिए अब हम जैसे लोग नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। कमला अच्छे से जानती थी कि मधु अमीर होने के बावजूद लालची है। ऐसे ही अगले दिन कमला मधु के लिए एक अंगूठी और साथ में खूब सारी मिठाई और साड़ी भिजवाती है। सारा सामान देखकर मधु बहुत खुश होती है और अपने घर आए रिश्तेदारों से कहती है, देख रही हो मौसी जी, समधन मेरे इशारों पर कैसे नाच रही है। जैसा जैसा बोल रही हूँ वैसा वैसा करती जा रही है। अभी तो शादी भी बाकी है, इसने तो अभी तक 20-30 लाख तो खर्च कर ही दिए होंगे। क्या मधु, इतनी महंगाई में किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। वो बेचारी अपनी बेटी दे रही है, फिर इतना सारा सोना लेकर क्या करेगी तू? उसकी बेटी किसी सोने से कम थोड़ी है। मौसी जी आप क्या बोली जा रही हो, शादी में तो लेने चलता ही रहता है। वैसे भी वो लोग बेटी वाले हैं, तो सास को जेवर दे रहे हैं, तो सास खुश रहेगी तभी तो बेटी खुश रहेगी ना। मधु अपने सभी रिश्तेदारों में जेवर दिखाकर बहुत ही तेवर दिखा रही थी। किसी का मुंह बन रहा था तो कोई अंदर ही अंदर जल भून रहा था। ऐसे ही शादी वाले दिन कमला खूब सारा दान दहेज अपनी बेटी की शादी में देती है और साथ में खूब सारे जेवर मधु उसके सभी रिश्तेदारों को देती है। ये सब देखकर मधु बहुत खुश थी। ऐसे ही निधि और विपुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद निधि अपने ससुराल आ जाती है। शादी के कुछ दिनों तक मधु अपनी बहू निधि को सर पर बिठाकर रखती है। ऐसे ही एक दिन मधु के फोन पर किसी रिश्तेदार का फोन आता है। क्या मधु, नकली जेवर दिखा के तू आके दिखाना क्या चाहती है कि हम जेवर के भूखे हैं? हमने अपने जीवन में कभी जेवर देखा ही नहीं है। ऐसी बेइज्जती करना ना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा होता कि तू हमें शादी में ही नहीं बुलाती। क्या, कौन से जेवर की बात कर रही हो तुम? मैं उसी जेवर की बात कर रही हूँ
जो सोने का हार तेरी समधन ने तुझे शादी में दिया था, अरे वो हार तो नकली है। अचानक से वो हार टूट गया था, इसलिए मैं उस सोने के हार को लेकर सुनार की दुकान पे गई थी। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वो जेवर तो नकली है। ये सुनकर मधु के होश उड़ जाते हैं और वो शादी में दिया हुआ सारा सोना निकाल कर सुनार की दुकान पर जाती है और वहाँ पर जाकर उसे चेक करवाती है। चेक करवाने के बाद पता चलता है कि शादी में दिया गया सारा सोना नकली है। नकली सोना देखकर मधु अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। मेरे साथ विश्वासघात किया तुमने कमला बहन, अब तुम्हारी सजा तुम्हारी बेटी को दूंगी। मधु गुस्से में घर आती है। घर आते ही वो सबसे पहले निधि को खींचकर एक तमाशा लगाती है। तभी वहाँ पर विपुल आ जाता है और विपुल अपनी माँ से कहता है, ये सब क्या हो रहा है माँ, आप निधि को थप्पड़ क्यों मार रही हो, क्या किया है उसने? क्या क्या किया इसने? इसकी और इसकी माँ की वजह से मैं पूरे समाज के सामने बेइज्जत हो गई हूँ। अरे सोना देने की औकात नहीं थी तो नकली सोना दिया ही क्यों? तभी विपुल निधि की माँ कमला को फोन करके अपने घर पर बुला लेता है, जिसके बाद मधु कमला से सवाल जवाब करने लगती है। क्यों बहन जी, सोना देने की औकात नहीं थी तो इतना बड़ा धोखा किया आपने हमारे साथ? अरे साफ साफ मना कर देती कि आप अमीर हो तो आपकी हम बराबरी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है बहन जी कि मेरी औकात आपको सोना देने की नहीं है? मैं भी आपकी तरह एक अमीर औरत हूँ, मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर मैंने ऐसा क्यों किया ये आप जरा सोच कर तो देखिए। देखो ना, मुझे कुछ सुनना है ना समझना है, साफ साफ बताओ कि इतनी घटिया हरकत क्यों की आपने? चलो मैं आपको समझा देती हूँ कि आखिर ऐसा मैंने क्यों किया। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, चाहती तो मैं आपकी सारी मांगे पूरी कर सकती थी, पर ये सब करके मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लालच बहुत बुरी बला है। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए लालची लोग बिल्कुल नहीं चाहिए थे। हाँ माँ, कमला आंटी बिल्कुल सही कह रही है, आपके लालच और घमंड को तोड़ने के लिए हमने ये सब कुछ किया था, और इन सब में मैंने कमला आंटी का साथ दिया था और निधि भी हमारे साथ थी। माँ जी, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके मन में लालच भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है। आपके अंदर इंसानियत होती तो आप रिश्ता जोड़ने की बात करती, ना कि तोड़ने की। सोना चांदी गहने ये सब मांगकर आपने खुद को छोटा बनाया है। निधि और विपुल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों ही शादी करना चाहते थे, इसलिए दोनों बच्चों की खुशी के लिए मैं आपके पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर गई थी, और वहाँ जाकर मुझे ये सुनने को मिलता है कि आप शादी बस एक ही शर्त पर करेंगी, जब मैं आपको शादी में खूब सारा भर भर कर सोना दूंगी। बस इसीलिए आपके लालच को खत्म करने के लिए हम तीनों ने ये सब कुछ किया है, और आज आपको समझ में आ गया होगा माँ कि लालच करना कितनी गलत बात होती है। लालच करने वाला इंसान आगे जाके खुद शर्मिंदा होता है, और आज आपको होना पड़ा माँ। तुम सही कह रहे हो, मेरी ही गलती थी, मैं अमीर थी और मुझे घमंड था, और शुरू से लालच का कीड़ा था मेरे अंदर, लेकिन अब मेरे अंदर लालच का कीड़ा मर चुका है। चलो अच्छी बात है, अंत भला तो सब भला। मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर मुझे ये सब करना बहुत ज़रूरी था। चाहती तो आपको सीधा सीधा समझा सकती थी, लेकिन कभी कभी इंसान को सही राह दिखाने के लिए गलत रास्ता अपनाना ही पड़ता है। मधु को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, क्योंकि उसके पास सब कुछ था और सब कुछ होने के बाद भी उसको सबके सामने शर्मसार होना पड़ता है। उसे समझ आ जाता है कि लालच और घमंड अक्सर इंसान को बेशर्म ही बनाता है। सुनहरी एक समझदार लड़की थी, वो अपने परिवार को अच्छे से संभाल कर रखती थी। एक दिन सुनहरी किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास नीलम उसके पास आकर उससे कहती है, बहू सावन आने वाले हैं तो सावन के सोमवार का व्रत रखेगी ना? लेकिन सावन के सोमवार का व्रत तो कुंवारी लड़कियां अपने होने वाले पति के लिए रखती है ना, और मेरी तो शादी हो चुकी है तो मैं ये व्रत क्यों रखूं? शादी हो गई है तो क्या हुआ, व्रत रख लेगी तो क्या तेरा कुछ घट जाएगा? लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, आपको तो पता ही है ना, और वैसे भी सावन के व्रत रखना जरूरी थोड़ी होता है। तू अपना दिमाग मत चला, मैं जो बोल रही हूँ वो कर। मैंने बोला है तो सावन के व्रत रखेगी मतलब रखेगी। नहीं माँ जी, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात नहीं मान सकती हो क्या? जब व्रत नहीं रखा जाएगा तो क्यों रखना है व्रत?
ठीक है, चला ले अपनी मर्जी। मैं कुछ बोल रही हूँ तो ये नहीं कि मेरी बात मान ले और व्रत रख ले। ये आजकल के बच्चे भी ना रीति रिवाज को मानना ही नहीं होता, बस अपनी ही मर्जी चलानी है। नीलम की व्रत वाली बात सुनकर सुनहरी मना कर देती है और कुछ दिनों बाद नीलम का पति अमर घर आता है और नीलम को बुलाते हुए कहता है, यार तुम क्या हो, जब देखो काम ही करती रहती हो, कभी तो अपने पति के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लिया करो, मैं दिखाई भी देता हूँ या नहीं? दूर हटो, माँ जी घर में ही हैं, देख लेंगी वो, थोड़ी तो शर्म करो। हाँ सबका तुम्हें दिखता है लेकिन अपने पति का नहीं दिखता क्या? माँ जी घर में हैं और पति भी तो घर में है। तुम क्या बच्चों की तरह मुँह बना रहे हो, इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी तुम्हें बच्चों की तरह ही समझाना पड़ता है। तुम ना ज्यादा दूर मत भागा करो मुझसे, शादी को इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक तुम्हारे काम ही खत्म नहीं हो रहे, हमेशा ही बिजी रहती हो तुम। हाँ तो आप भी काम कर लो, किसी ने मना किया है क्या अपना काम करने से? जाओ तुम, जब कोई ले आऊंगा ना दूसरी तब मुंह बनाती रहना और तब बोलना कि ले आओ दूसरी। इतना बोलकर अमर नहाने चला जाता है और इसी तरह सुनहरी अपने कामों को लेकर हमेशा अमर से दूर रहती। लेकिन ये सब आखिर कब तक चलता? अमर जहाँ काम करता था वहाँ अमर को एक दीपिका नाम की लड़की बहुत पसंद थी लेकिन वो कभी उसे कुछ नहीं बोलता था। लेकिन जब सुनहरी ने उसे प्यार देना बंद कर दिया तो वो दीपिका से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगा और धीरे धीरे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। और कुछ ही दिनों बाद सावन आता है और अमर दीपिका को अपने दिल की बात बताता है और दीपिका से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, अब बस मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार है, तो बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? लो फंस गया एक और बकरा, अब तो इसे हलाल करना है, बड़े दिन हो गए किसी का खर्चा नहीं करवाया है, तो चलो अब शुरू हो जाती हूँ मैं भी। क्या हुआ तुम कहाँ खो गई? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मना भी कर सकती हो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ये सोच रही थी कि मैं कहाँ रहूँगी, मेरे मालिक मकान ने मुझे आज ही निकाल दिया है, सुबह मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम ये सोचती हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। लेकिन वहाँ कोई परेशानी तो नहीं होगी ना मेरे आने से? नहीं होगी, अगर होगी भी तो मैं देख लूंगा सब कुछ, तुम परेशान मत हो और अपना सामान ले लो और मेरे साथ चलो मेरे घर। इतना बोलकर अमर दीपिका को अपनी पहली पत्नी की सारी बात बताता है और अपने साथ अपने घर लेकर आता है। वहाँ हॉल में ही सुनहरी और नीलम बैठी होती हैं और दोनों अमर के साथ दीपिका को देखती है तो सुनहरी कहती है, ये आपके साथ लड़की कौन है और आप इसे हमारे घर क्यों लाए हैं? इसे मैं प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, इसीलिए इसे मैं अपने घर ले आया। नहीं आप बस मेरे पति हो और मुझसे ही प्यार कर सकते हो, बोल दो कि आप इसे मजाक कर रहे थे। नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, अब से ये इसी घर में रहेगी हमारे साथ। इतना बोलकर अमर दीपिका को लेकर कमरे में चला जाता है और ये सब देखकर नीलम रोती हुई सुनहरी से कहती है, देख लिया मैं तो पहले ही बोलती थी सावन के सोमवार का व्रत रखा कर पति काबू में रहता है, लेकिन नहीं महारानी से तो व्रत रखा ही नहीं जाता। माँ जी अगर मैं व्रत भी रखती ना तो भी अमर जी यही कहते मेरे साथ, क्योंकि उन्हें रहना ही नहीं है मेरे साथ, तभी तो दूसरी बीवी ले आए ना। हाँ तो वो दूसरी बीवी लाया है तो तू क्या अब इस घर से चली जाएगी? वो मुआ सावन में पुण्य करने छोड़कर दूसरी औरत उठा लाया और तू यहाँ बैठे बैठे टेस में बहाती रहेगी या कुछ करेगी भी? क्या करूँ मैं आप ही बताओ ना। अरे पगली तू इतनी समझदार है, सुशील है, तेरा पति किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता और अब यहाँ वो एक दूसरी औरत को घर में ही ले आया है। हाँ माँ जी आप सही बोल रही हो, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये सावन में आई सौतन को सावन में ही घर से बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ अब सोचा है तो कर भी लियो, ये नहीं कि फिर किसी कोने में रोने लग जाए, और हाँ मेरी मान तो सावन के सोमवार के व्रत भी रखना शुरू कर दे। माँ जी आप बात तो सही बोल रही हो, व्रत तो रखूंगी मैं लेकिन व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, मुझे सावन में इस सौतन को घर से बाहर निकालने के लिए और भी कुछ सोचना पड़ेगा। सुनहरी अब दीपिका को घर से निकालने के बारे में सोचती है और जब भी अमर और दीपिका एक दूसरे के करीब आते तो सुनहरी बीच में आकर उन्हें परेशान करने लगती। ऐसे ही एक दिन अमर दीपिका को अपनी बाहों में लेकर प्यार भरी बातें कर रहा था तभी उनके कमरे में अचानक से सुनहरी आकर कहती है, अरे अरे आप दोनों एक साथ क्या कर रहे हो, अभी आप दोनों की शादी नहीं हुई है, थोड़ा तो सब्र रखो ना। हाँ तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्यों बार बार बीच में आ जाती हैं?
थोड़ा तो हमें अकेला रहने दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक अकेला कैसे छोड़ दूं मैं तुम दोनों को। अरे यार तुम जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे दीपिका से कुछ बात करनी है, बात करके आता हूँ। अरे इतना तो अकेला छोड़ दिया कि तूने मेरे पति को ही हथिया दिया, अब और पता नहीं कौन सा अकेला छोड़ना है। ओ शिट, तुम्हारी एक्स वाइफ तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। एक काम करो, तुम मुझे कुछ पैसे दो, मैं पार्लर जा रही हूँ। हाँ हाँ करवा ले मेकअप, क्योंकि शादी तो तेरी मैं होने नहीं दूंगी। कितने पैसे चाहिए? 50,000। इतने पैसों का कौन सा मेकअप होता है? मेकअप ही करना है या पूरे मेकअप की दुकान लेनी है तुम्हें? तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो, चुपचाप पैसे दे दो। इतने पैसे क्यों ले रही है, पक्का कुछ तो झोल है, पता लगाना पड़ेगा। इतना बोलकर सुनहरी दीपिका का पीछा करने लगती है और वहाँ दीपिका को एक लड़के से गले लगता हुआ देखती है और चुपके से उनकी फोटोज क्लिक करती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए थे और जैसे ही दीपिका घर आती है तभी सुनहरी दीपिका के सामने अमर को फोटो दिखाते हुए कहती है, ये देखो आपकी प्यार देने वाली और मेरी होने वाली सौतन को आपके पैसे किसी और पर लुटा रही है। नहीं नहीं ये झूठ है। अच्छा तुम सच बोल रही हो और ये तस्वीर झूठी है, मुझे कुछ नहीं सुनना अब तुम्हारे मुंह से। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ा और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। आपको अगर मैं बिना कोई सबूत के बताती तो आप तो मेरी बात मानते ही नहीं, क्योंकि इसके प्यार की पट्टी जो बंधी है आपके आंखों पर, इसलिए मैंने इसका पीछा किया और जब ये उस लड़के से मिल रही थी तो फोटो ले ली। सुनहरी मुझे माफ कर दो, मैंने इस जैसी लड़की के लिए तुम्हें धोखा दिया, क्या तुम मुझे माफ करके एक नई शुरुआत नहीं कर सकती? हाँ बिल्कुल, मैं आपके बिना तो वैसे भी नहीं रह सकती, और ये 4 दिन के लिए सावन में, ये सौतन को मैंने सावन में ही रवाना कर दिया। अमर को भी सब समझ में आता है कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती की है और वो एक गलत जाल में फंसने से बच गया और सुनहरी ने फाइनली अपनी सावन में आई सौतन को सावन में ही भगा दिया और अब वो अपने पति पर ध्यान देकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। न तेरी कोई दोरानी बलिए, न जेठानी बलिए, नितू राज करेगी आके। निशा रसोई में बर्तन मांजते हुए अपने सुर लगाकर गाने गा रही थी तभी पीछे से उसकी जेठानी कनिका आती है और उसके गाने का जवाब देते हुए बोलती है, देवरानी ना हो लेकिन जेठानी तो है ही आपकी मेरी प्यारी देवरानी जी, और इसीलिए राज तो आप करोगे नहीं यहाँ। और रही बात सास की तो वो भी अच्छी नहीं है, ये भी आप अच्छे से जानती हैं। हाँ तो मुझे भी पता है, मैं तो बस गाना गा रही थी। और वैसे आप थी कहाँ, यहाँ रसोई में इतना काम है, आपके मायके वालों ने मुझे नौकरानी बनाकर यहाँ नहीं भेजा जो मैं ही सब करूँ। मेरे घर वाले इतनी सस्ती नौकरानी नहीं रखेंगे। क्या कहा आपने, जोर से बोलो ना, हिम्मत है तो, ये क्या अपने आप में बड़बड़ा रही हो, ये सब मुझे समझ नहीं आता। मैंने कुछ नहीं कहा, अब हटो, तुम्हारे बर्तन धुल गए हो तो मुझे दोपहर का खाना बनाना है, वरना माजी के सामने मेरी चुगली करोगी कि जेठानी जी ने दोपहर का खाना नहीं बनाया। हाँ हाँ तो रोका किसने है, बना लो ना। कनिका दोपहर के खाने में सिर्फ दाल रोटी बनाकर टेबल पर अपनी सास माया और देवरानी निशा के आगे परोसती है, जिस पर माया कहती है, बहू ये क्या है, आज दोपहर में इतना सादा खाना, मतलब ना कोई सूखी सब्जी और ना ही चावल बनाए हैं। माँ जी मुझे अभी कपड़े धोने हैं और भी बहुत सारे काम है, पूरी दोपहर सिर्फ खाना ही बनाती रहूंगी तो बाकी के काम नौकरानी मतलब देवरानी थोड़ी ना करेगी। हाँ तो मैं क्यों करूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ आपकी, मेरे पास खुद के भी बहुत काम होते हैं, और अब से माँ जी घर के काम ऐसे ही होते रहे ना तो रात के समय मैं भी बस एक सब्जी रोटी बनाकर अपना काम खत्म कर दूंगी। अरे चुप हो जाओ दोनों के दोनों, पूरा दिन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती ही रहती हो। अरे खाना ही तो अच्छा बनाती हो, उसमें भी अब ये काम चोरी करोगी। अगर तुम घर के कामों की वजह से खाना ऐसा खिलाओगी तो ऐसा करते हैं, घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख लेते हैं। क्या नौकरानी? नौकरानी हाँ, नौकरानी खाने बनाने के सिवा सारे काम करेगी, जैसे घर की सफाई, बर्तन, झाड़ू, बस खाना बनाने का काम तुम दोनों का होगा, तो वो तो अच्छे से करोगे ना। मुझे मंजूर है माँ जी। मुझे भी। अब माया ने अपनी दोनों बहुओं को नौकरानी के लिए बोल तो दिया था, तो अगले ही दिन पड़ोसन विमला की जान पहचान से एक गजरी नाम की नौकरानी घर आती है, जिसको देखकर दोनों देवरानी जेठानी कहती है, कौन हो तुम और यहाँ किससे मिलने आई हो? मेम साहब मेरे को सामने वाली विमला मालकिन ने भेजा है, बोला इस घर में दो इंसानों जैसे दिखने वाले चुड़ैल बहुओं को नौकरानी की जरूरत है। क्या बोला, चुड़ैल उस विमला की? तो इतने में वहाँ माया आती है जो अपनी बहुओं को साइड करके
कजरी से कहती है। अरे तुम ही हो कजरी, विमला ने बताया था तुम्हारे बारे में। अच्छा सुनो, यह मेरी बड़ी बहू कनिका और ये छोटी बहू निशा, ये दोनों तुमको काम समझा देंगी। बहुओं इसे समझा देना, मैं आती हूँ जरा। इतना बोलकर माया घर से बाहर चली जाती है और निशा व कनिका कजरी से कहती है, सुन कजरी, तुमको आते ही पहले मेरे कमरे से सफाई शुरू करनी है। और देखो, दरवाजे के अंदर आकर सीधा जाओगी तो पहला कमरा मेरा ही है। अरे ऐसे कैसे आपका कमरा करेगी पहले? पहले मेरा कमरा साफ करना कजरी, दरवाजे से उल्टे हाथ पर ही मेरा कमरा है। मैं जेठानी हूँ ना, तो मेरा कमरा पहले साफ होगा, समझी? बड़ी हो तो क्या हुआ, खुद कर लेना अपना कमरा साफ। अरे ये नौकरानी माँ जी ने आपके लिए नहीं रखी, पूरे घर की सफाई के लिए रखी है, समझी आप? देवा रे देवा, ये दोनों देवरानी जेठानी तो सोतनों से भी ज्यादा लड़ती हैं। अभी चुप करवाती हूँ दोनों को। ए चुप करो दोनों। अरे मैं दोनों का कमरा साफ कर दूंगी, इसलिए आप दोनों ये चिल्लम चिल्ले मत करो और बाकी के काम बताओ। कजरी की ये बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी किसी तरह लड़ते झगड़ते कजरी को सारा काम समझाती है और अगले दिन से कजरी अपने कामों के लिए घर आने लगती है। लेकिन काम करते हुए उसको कभी कनिका बुलाकर अपने काम करवाती तो कभी निशा बीच में टोक देती, जिससे परेशान होकर कजरी माया के सामने कहती है, ओ बड़ी मालकिन, ये आपकी दोनों बहुओं को मैं आला दिन का चिराग लगती हूँ क्या? एक उधर से घिसती है तो एक उधर से। मतलब तुम तो यहाँ काम करने आई हो, तो वो तुमको घिसती क्यों है? पूरा खानदान ही पागल है। मैडम अब देखो, दोनों को बोल दो मैं बारी बारी सारा काम कर दूंगी, मेरे काम के बीच में ना आए। माया भी अपनी दोनों बहुओं को कजरी के काम के बीच में ना आने को कहती है। ये देखकर दोनों उसको काम करने देती हैं। लेकिन एक रात के खाने में देरी होने पर माया निशा को बुला कर कहती है, निशा बहू अब तो घर के काम सारा वो कजरी करती है, तो खाना क्यों नहीं बना अब तक? वो माँ जी, नौकरानी पर पूरा दिन नजर रखने का काम भी तो मेरा है, इसलिए आज मैं पूरा दिन उस पर नजरें गड़ाए बैठी थी, कहीं कुछ चुरा ना ले। देख लो माँ जी, काम चोरी करने की भी हद होती है, अब देवरानी जी को नहीं सुनाओगी? निशा बहू दोबारा ऐसा बेकार सा रीजन देकर खाना बनाने में देरी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अब जाओ जल्दी खाना लेकर आओ। निशा मुंह सड़ाते हुए खाना बनाने जाती है, लेकिन उसी समय कजरी काम खत्म करके घर जा रही थी, जो ये सब सुनकर कहती है, अब तक तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन अब देखना करूंगी। दोनों देवरानी जेठानी को लड़ा लड़ा कर इनके ही हाथों से इनके घर की चीजें गायब ना करवाई तो मेरा भी नाम कजरी नहीं। अगले दिन से कजरी दोनों देवरानी जेठानी में नफरत और बढ़ाने का एक प्लान बनाती है और पहले कनिका के पास जाकर कहती है, कनिका मालकिन एक बात कहूँ, बहुत दिन से मेरे दिल में है। हाँ बोल कजरी। मालकिन, छोटी मालकिन ने मुझे कहा कि अगर मैं आपके कामों में काम चोरी करूंगी तो वो मुझे मेरी मनचाही चीज दे देंगी। मैंने तो साफ मना कर दिया, अब मैं यहाँ काम करने आई हूँ तो काम चोरी थोड़ी कर सकती हूँ। अच्छा ऐसा कहा उसने? अरे तो चिंता मत कर, उसको तो मैं खुद संभाल लूंगी। जी मालकिन। अच्छा मालकिन जरा 500 रुपए देना, जरूरी काम है। कनिका कजरी को 500 रुपए देती है, जिसके बाद अगले दिन कजरी निशा के पास जाकर उसके कपड़े प्रेस करते हुए उससे कहती है, निशा मालकिन आपकी साड़ियाँ तो बहुत खूबसूरत है, इनको कोई जलाने के लिए कैसे कह सकता है? जलाने के लिए मतलब? बड़ी मालकिन ने कहा कि प्रेस करते वक्त मैं आपकी साड़ी जला दूं और बोल दूं कि गलती से हुआ। अच्छा जी, मेरी साड़ी जलाने के लिए बोला, उनको तो मैं बताती हूँ। अरे छोड़ो मैडम, मैंने जलाई नहीं ना, बस आपसे एक मदद चाहिए थी, मुझे एक अच्छी सी साड़ी दे दो आप अपनी, मुझे मेरे मर्द के साथ एक पार्टी में जाना है। अच्छा चल रुक देती हूँ। निशा अपनी एक साड़ी कजरी को दे देती है, जिसके बाद कजरी साड़ी लेकर शाम को घर जाते वक्त खुद से कहती है, ये देवरानी जेठानी कितनी बड़ी बेवकूफ है, अरे इतनी आसानी से मेरी बातों में आकर एक दूसरे की दुश्मन बनती जा रही है, सही है मेरा तो फायदा ही है। कजरी कई दिनों तक ऐसे ही दोनों देवरानी जेठानी को एक दूसरे की झूठी खबर देकर दोनों के बीच नफरत बढ़ाने लगती है। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। कजरी निशा को जाकर बोलती है कि कनिका निशा को मारना चाहती है, जिससे ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। ये सुनकर निशा कजरी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसकी आवाज सुनकर सब निशा के कमरे में आते हैं, जहां निशा कजरी से कहती है, बस बहुत हुआ कजरी,
तेरे लालच का घड़ा इतना भर गया है कि आज तूने मेरी ही जेठानी पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। क्या बोला इसने निशा? ये कि आप मुझे मारना चाहती हो और ये पूरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती हो। ये बात सुनकर कनिका कजरी को एक और थप्पड़ मारते हुए कहती है, आज तक तो हम दोनों को झूठी खबरें देकर पैसे और बाकी चीजें ऐंठती रही। हमने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि शायद तुझे पैसे की जरूरत हो या तू सीधे बोल नहीं पा रही है चीजों के लिए, लेकिन आज ये बात बोलकर तूने साबित कर दिया कि तू एक लालची औरत है जो अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, हम दोनों भले ही जितना मर्जी लड़ती हों, लेकिन हम दोनों में एकता भी उतनी ही है। वो तो तेरे झूठ हम झेल रहे थे, लेकिन अब तेरे इस घर से जाने का समय आ गया है, निकल जाए यहाँ से। लेकिन घर का काम कौन करेगा फिर बहू? हम दोनों कर लेंगे माँ जी। आखिरकार दोनों देवरानी जेठानी अपने घर में नौकरानी रखने से तौबा करके खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने घर को संभालने का फैसला लेती है।